गुरु के बिना ज्ञान कहाँ। कहते हैं कि अगर पत्थर को भी अपना गुरु मानो तो वह भी हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा देती है। उन गुरु और शिष्य के रिलेशन को मैं नमन करता हूँ जिस पर पूरी दुनिया कायम है। हम हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का मानना था कि एक टीचर का जो दिमाग होता है वह सबसे बेहतर होता है। टीचर नाम सुनते ही शरीर में एक अजीब सा एनर्जी दौड़ जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में एक समय था कि टीचर अर्थात गुरु जी का डांट सुनना और उनसे मार्गदर्शन को पाना था। आज मैं जैसे भी हूँ और जिस पोजीशन पर भी हूँ, मेरे गुरु जी का ही आशीर्वाद है और उनके मेहनत का ही फल है। पूरे संसार को चलाने वाले एक ही इंसान है, जिनके बिना हम एक पूंछहीन जानवर के समान हैं, जिनके बिना हम प्रकाश में रहते हुए भी अंधकार सा अनुभव करते। उस इंसान का नाम है टीचर अर्थात गुरु जी। अगर आज हम चांद पर भी पहुंच गए हैं तो उसके पीछे किसी न किसी गुरु का ही हाथ है, क्योंकि साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर को बनाने वाले एक टीचर ही है। जब कभी हम जिस रास्ते पर चलते रहते हैं, अगर उस रास्ते पर पत्थर गिरा हुआ हो तो हम क्या करते हैं? या तो उस पत्थर को उठाकर हम साइड कर देते हैं, या उसे साइड किए बिना हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक शिल्पकार उसी पत्थर को लेकर एक नया आकार देते हैं, जिसे हम पूजा करते हैं या अपनी घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम घर में रखते हैं। ठीक शिल्पकार की तरह ही गुरु होते हैं, जो हम जैसे को उठाकर एक ऐसा आकार देते हैं जिससे हमारी जिंदगी ही बदल जाती है। गुरु हमारी लाइफ को बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको अपनी करियर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। गुरु हमें तो हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और वह खुद वहीं रह जाते हैं। किसी कवि ने गुरुजनों के लिए बहुत ही सुंदर लाइन लिखे हैं। वो कौन सा पद है जिसे देता है ये जहां सम्मान, वो कौन सा पद है जो करती है देशों का निर्माण, वो कौन सा पद है जिसे करती है सभी प्रणाम, वो कौन सा पद है जिसकी छाया में मिलती है ज्ञान, वो कौन सा पद है जो कराए सही देश का निर्माण। गुरु है इस पद का नाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ। कहते हैं कि अगर